वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इंडियन प्रीमियर लीग इस साल कोरोना वायरस की वजह से भारत में न होकर यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में खेला जाएगा। यह लीग 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। आईपीएल की सभी टीमें यूएई पहुंचने लगी हैं। जल्दी प्रैक्टिस मैच शुरू हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन सी टीमें यूएई पहुंच चुकी है। दरअसल यूएई में होने जा रहे इस साल के आईपीएल में भाग लेने गुरुवार यानी 20 अगस्त को तीन टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। इन टीमों में किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर शामिल है। राजस्थान के खिलाड़ी इस दौरान पीपीई किट पहनकर पहुंचे हैं। तो वहीं यूएई पहुंचने वाली पहली टीम पंजाब के प्लेयर्स ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे। अब चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम शुक्रवार यानी 21 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होंगी, जबकि अन्य दो टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें सप्ताह के अंत में पहुंचेंगी। आईपीएल के 60 मैच तीन वेन्यू दुबई, अबू धाबी और शारजाह में 53 दिन तक खेले जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अपने टीम के साथ यूएई नहीं जा रहे हैं। इनमें हरभजन के अलावा दक्षिण अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसिस और लुंगिन एन गिदी सितंबर की शुरुआत में दुबई पहुंचेंगे। वहीं इमरान ताहिर, मिशेल सेटनर और डेविन ब्रावो इस समय कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में खेल रहे हैं, इसीलिए ये खिलाड़ी बाद में टीम से जुड़ेंगे। बता दें कि खिलाड़ियों के यूएई रवाना होने से पहले सभी का कोविड-19 टेस्ट कराया गया है। यहां से जाने के बाद भी उनका टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही यूएई में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले 7 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। इस दौरान कोई भी होटल में एक दूसरे से नहीं मिल सकेगा। इस दौरान पहले, तीसरे और छठे दिन सभी का कोरोना टेस्ट होगा। 3 निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही वे बाय सिक्योर माहौल में एंट्री और ट्रेनिंग कर सकेंगे। टूर्नामेंट के हर 5वें दिन खिलाड़ियों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार कोरोना के कारण आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में ही खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजियों को 20 अगस्त के बाद यूएई रवाना होने की मंजूरी दी थी और साथ ही बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, स्टाफ समेत सभी को सख्त चेतावनी दी है कि भूलकर भी बायो सिक्योर माहौल यानी कोरोना से बचने के लिए खेल के दौरान बनाए गए नियमों को न तोड़े। बायो सिक्योर का उल्लंघन करने वाले को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। 6वें और 7वें दिन कोरोना टेस्ट होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही वे वापस बायो सिक्योर माहौल में लौट सकेंगे। तो ये थी 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल का हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस आईपीएल को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।